जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है, जो कल्प्रिट है उसको पनिशमेंट दिलाना है। लेकिन ये अपराध होने के बाद की बात है, क्राइम कमिट होने के बाद की बात है जब हम सीन में आते हैं। उससे पहले सब कुछ आप लोगों के लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर चलता रहता है। अगर लोग अवेयर हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और जो जो खतरे उनके सामने हैं, चैलेंजेस हैं, उनके लिए अवेयर हैं, तो वो फिर क्राइम कमिट होता ही नहीं है। तो उसमें सबसे पहली भूमिका आपकी है, आपकी आपको खुद को इतना अवेयर करना है कि आप अपनी फैमिली को भी अवेयर कर सकें। तो जैसा कि आपके स्कूल के उसमें नाम में ही है ओलंपस हाई, क्या मीनिंग है इसका, कोई बताएगा? या वेरी गुड, जो हाई एल्टीट्यूड है उसी की तरह इसको भी हमें हाई रखना है। और वो कब होगा, जब हम इधर उधर के डिस्कशंस में ना पड़े। तो वो उसमें बहुत सारी पिक्चर्स अधूरी रहती हैं, बहुत सारी सही चीज़ें दिखाई जाती हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें अधूरी भी रहती हैं। तो उसमें भी आप लोगों को अवेयर रहना है, इंटरेक्शन करना है जहाँ भी चांस मिले। अभी आपको लोग क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि पुलिस का रोल क्या है सोसाइटी में, ओवरऑल तो आप लोगों को पता ही है। तो इसमें मेनली ये है कि कोई भी अथॉरिटी अपना मनमानी नहीं चला सकती अगर आप अवेयर हो, अगर आपको अपने राइट्स की जानकारी है। तो कोई भी आपको जो है बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई भी आपको मिसयूज़ नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना है और एक अपनी लाइफ में गोल सेट करना है और उस गोल को अचीव करने के डायरेक्शन में हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि लाइफ में कोई गोल होना चाहिए। कोई भी गोल छोटा या बड़ा नहीं होता, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर 10 तक पहुँचना आपका गोल है, कोई कुछ 5 नंबर पे खड़े होंगे, उनका गोल होगा कि हम 10-15 तक पहुँचे। तो ये सब्जेक्टिव होता है, मतलब हर इंडिविजुअल के लिए, हर बच्चे के लिए अलग रहेगा। तो अपने गोल बनाइए और उसकी दिशा में अपने आप को बढ़ाइए और उसके लिए जो आवश्यक है, जो जरूरी है उसको आपको ऊंचा ही बढ़ना है। और इसको इस स्कूल की, जैसे कि ये भी बता रहे थे कि 25 साल हो गए हैं इसको, बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ से निकले हैं। तो आप उनको अपना देखिए, क्या आप उनसे सीख सकते हैं, दुनिया में बहुत लोग हैं, हम उनसे क्या सीख सकते हैं और कैसे उनसे भी आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि अमर उजाला का यहाँ पर, तो ये अमर उजाला के नाम में आप देखोगे कि उजाला है, उजाला। तो ये उजाला आप ही लोग पैदा करोगे सोसाइटी में। एक एक व्यक्ति जब अच्छा काम करता है तो उसका समाज पे बहुत बहुत फर्क पड़ता है। तो ये मत सोचिए कि मेरे करने से क्या होगा, बस आप अपना काम करिए, बाकी उसके रिजल्ट की चिंता मत करिए या उसके इम्पैक्ट की चिंता मत करिए। वो उसका असर होता है, देर सवेर उसका असर होता है। तो बस मैं अंत में आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, बेस्ट विशेष देना चाहूँगा कि आप अपना एक गोल बनाइए, उसको ऊंचा गोल बनाइए और उसके डायरेक्शन में बिल्कुल जुट जाइए, वो जरूर आप अचीव कर पाएंगे। और डिस्ट्रैक्शन आपको पता होगा कि नहीं, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, पुलिस हमारे संरक्षण के लिए, पुलिस हमारी मदद करने के लिए। फिर देखिए, समाज चेंज होता है, नई पीढ़ी में भी बदलाव है, कई तरीके की अलग अलग तरीके की घटनाएँ होती हैं, उनसे कैसे निपटा जा सकता है, कैसे बचा सकता है। तो जब अवेयर होंगे हम, जागरूक होंगे, तो हमको लगता है कि 90% तो घटनाएं होंगी ही नहीं, चाहे साइबर क्राइम को लेके हो जाए, चाहे कोई भी किसी तरीके का पता लगा, मारपीट करते करते किसी बचा ही जाए, इस हद तक पैनिक नहीं बने कि वो क्राइम हो जाए। तो क्राइम कहाँ तक नहीं हो सकता, क्राइम नहीं हो, इन बातों का भी ध्यान रखें। क्या चीज़ ऐसी गलत है जो समाज में हम कर रहे हैं, पहले हमारे साथ में पढ़ने वाला कोई बच्चा है या कोई लड़की है साथ में पढ़ने वाली, तो हम उसको कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। और हमारी आपकी सब जो नई पीढ़ी है, आप लोगों का देश है, अब आप आगे उसको ले जाने की जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। पीढ़ी की चीज़ें उसमें शामिल हुई, तो कुछ चीज़ें लोग जी बताएंगे अभी हमको, और हमको लगता है कि बच्चों से ही अगर कोई चीज़ शुरुआत हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।